इस वक्त भीषण गर्मी से जूझ रहा है। आए दिन लोग चक्कर खाकर सड़क पर गिर रहे हैं। हीट वेव से लोगों की जान जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक हेड कांस्टेबल प्रचंड धूप में चक्कर खाकर गिर गया। लेकिन इस वीडियो को आप गौर से देखिए तो आप और कुछ भी नोटिस करेंगे। अभी भी नहीं देख पाए तो जूम करके देखिए। अगर समझ में आ जाए तो आंख बंद कर अपनी अंतरात्मा से ये जरूर पूछिएगा कि क्या जान जरूरी थी या वीडियो बनाना जरूरी था। यूपी पुलिस की जानलेवा मदद को आप सामने से देखिए। पास खड़ा दरोगा तड़पते हुए हेड कांस्टेबल को अस्पताल ले जाने की जगह वीडियो बनाता रहा। कुछ देर बाद अस्पताल में हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और पुलिस पर जमकर सवाल भी उठ रहे हैं। बता दें कि कानपुर पुलिस लाइन में तैनात झांसी के रहने वाले हेड कांस्टेबल ब्रज किशोर सिंह मंगलवार की सुबह 3 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर झांसी जा रहे थे। स्टेशन के बाहर ही चक्कर खाकर वे जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद वहां तैनात दरोगा उनके पास आए और उनकी वीडियो बनाने लगे। कुछ देर बाद ब्रज किशोर को पास के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ऐसे में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ये सवाल जमकर उठ रहा है कि तत्काल हेड कांस्टेबल को अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया और उनकी वीडियोग्राफी क्यों होती रही। क्या वीडियो बनाना जरूरी था या फिर उस हेड कांस्टेबल की जान बचाना जरूरी था। वहीं बताते चले कि कानपुर पुलिस की ACP मोहसिन खान का कहना है कि इलाज के दौरान मुख्य आरक्षी ब्रज किशोर की मृत्यु हो गई है। जल्द ही उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। प्राथमिक रूप से यह लग रहा है कि हीट स्ट्रोक की वजह से उनकी मृत्यु हो सकती है। बाकी मुख्य कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही सामने आ जाएगा। जहां तक रही दरोगा के वीडियो बनाने की बात है तो मुख्य आरक्षी के नाम और बैच नंबर को नोट करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा होगा। मामले की जांच चल रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे वायरल हो रहे वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए।